पंजाब के नए शिक्षा खेल एवं एनआरआई मामलों के मंत्री परगट सिंह जालंधर पहुंचे, जहां पर जालंधर छावनी स्थित बजरंग भवन में पहुंचने पर कमेटी के सभी सदस्यों की ओर से नवनियुक्त मंत्री परगट सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर परमजीत सिंह रायपुर, विजय गोयल, भूषण अग्रवाल, पंडित कैलाश चंद्र, राजकुमार चौहान, तिलक राज शर्मा ने मंत्री परगट सिंह को पुष्पमालाएं पहनाकर माता की चुनरी देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने कहा कि वे कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है और वे अपने इलाके में आए हैं, जहां पर उनके साथियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, वे पूरी तनदेही से उसे निभाएंगे। इस अवसर पर नीरज मदान, अशोक कुमार शर्मा, किरण कुमार, सतपाल वर्मा, शिवम शर्मा, तरुण गोयल सहित कई लोग मौजूद रहे। अज इस मंदिर कमेटी वालों जिथे इज्जत माण किया गया, मैं तो उस परमात्मा के चरणों से ही अरदास बेनती है कि आप सारे जड़े मिल के इस पंजाब लई और इंसानियत लई जिहड़ा आप सारे काम करिए। और मैं छौणी वासियां का बहुत बहुत ऋणी हाँ और धन्यवाद करना, क्योंकि इन्हां दी बदौलत ही है, इन्हां सारे लोगों की बदौलत ही है कि परमात्मा ने मेला जिहड़ा अपना आशीर्वाद मंदिर श्री बजरंग भवन जलंधर छावनी में मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से सरदार प्रगट सिंह जी का कैबिनेट मंत्री बनने के लक्ष्य में आज मंदिर में उन्होंने हाजिरी लगाई। हम छावनी निवासियों की तरफ से भी और मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से यही विनती करते हैं कि जो इनको कैबिनेट मिनिस्टर जो है बने हैं पंजाब के, महारानी इनको ऐसे ही चढ़ती कला में रखे।